आज के ज़माने में एक लड़की जो खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है और अपने अंदाज से जीने की कोशिश करती है, एंड द सेकंड पार्ट कि उसी के साथ साथ उसे चाहिए एक रिच हैंडसम गाय जो कि उसे दे बेइंतहा प्यार और ढेर सारा दौलत। यही है स्टोरी फितरत की। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AdinfoTv, मैं हूँ मिस्टर जीरो और आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ फितरत वेब सीरीज का रिव्यू ऑल्ट बालाजी एंड एकता कपूर कॉन्सेप्ट के साथ में। आ गया है फितरत। सॉरी मैं काफी लेट आया हूँ इस वेब सीरीज के रिव्यू के साथ में, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट तो मैंने फाइनली फितरत के सारे सीरीज कंप्लीट कर लिए हैं और अब लेकर के आया हूँ फितरत के रिव्यू। तो प्लीज यार स्टे ट्यून्ड। ऑल्ट बालाजी और एकता कपूर, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें आता है बहुत ही गंद मचाने वाला सीरीज, ऐसे ऐसे गंद मचाने वाला सीरीज जिसको आप फैमिली के साथ में नहीं देख सकते। लास्ट टाइम मैं काफ़ी खुश था कि कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला जो सीरीज थी उस सीरीज को हम फैमिली के साथ में देख सकते हैं और फैमिली इंटरटेनिंग थी वो। मुझे ऐसा लगा कि चलो एकता कपूर सुधर चुकी है, लेकिन नहीं, वो अपने ऑल्ट बालाजी में जैसे कसम खा रखी है कि हमें उसमें कुछ और ही दिखाना है। तो यह फितरत के मेन लीड रोल में कौन कौन है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। फितरत के मेन लीड रोल में है क्रिस्टल डिसूजा, अनुष्का रंजन और आदित्य सील। यही तीन इसमें मेन रोल को प्ले कर रहे हैं और इन्हीं तीनों के बीच में पूरी कहानी घूम रही होती है। बाकी भी कैरेक्टर्स की बात करूंगा, जैसे जैसे उनकी बारी आएगी उनके बारे में डिटेल देता जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं कि स्क्रीन प्ले के बारे में। स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो मुझे देख करके ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मैंने कोई करण जौहर का फिल्म देखने का फैसला कर लिया और जैसे स्क्रीन ऑन होता है इट्स जस्ट लाइक अ करण जौहर मूवी, कि जहां जहां पे भी देखो पैसे टपक रहे हैं, जहां पे भी देखो यार हाई लेवल के लोगों के बारे में बात की जा रही है और उनके एटीट्यूड को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्क्रीन प्ले इट्स जस्ट लाइक अ धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर के पैसा लगा हुआ जैसा लगता है। इसके बाद से बात करता हूँ स्टोरी की। स्टोरी यार काफी सिंपल है। स्टोरी यही है कि एक लड़की जो अपना ग्रेजुएशन खत्म कर चुकी है, अपने कॉलेज लाइफ खत्म कर चुकी है, फाइनली वो जीना चाहती है अपने अंदाज में। इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टोरी जब स्टार्ट हुई थी तो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या दिखाई जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी जो है बहुत ही हटके रखा गया है। क्रिस्टल डिसूजा यानी तारिनी बिश्त, कैरेक्टर का नाम है तारिनी बिश्त, एंड दैट्स अ टोटली कन्फ्यूजन वाला कैरेक्टर है। एंड तक आपके अंदर में एक कन्फ्यूजन बनाए रखेंगे कि आप एग्जैक्टली उस कैरेक्टर को क्या नाम देना चाहोगे या वो कैरेक्टर क्या नाम डिजर्व करता है। तो उनके जो डैड, इनके डैड का रोल जो है मोहित चौहान ने प्ले किया है और उसी वक्त स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि वो एक पेंटर रहते हैं, वो पेंटिंग करते हैं, साथ ही साथ एक टाइम पर वो रिपोर्टर भी रह चुके होते हैं। और वो एक पेंटिंग होती है जो कि तारिनी बिश्त की मॉम की पेंटिंग होती है, जो पेंटिंग काफ़ी खूबसूरत होती है। वो पेंटिंग खरीदने के लिए कोई उनके घर पे पहुंचता है पर वो पेंटिंग तारिनी बिश्त बेचने से मना कर देती है इन द एज ऑफ, जी हाँ, जब वो 10 साल की रहती है तभी उन्होंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया होता है। तो देखा जाए तो उनकी जो पेंटिंग है वो बेचना नहीं चाहती है और उसके बाद से अचानक से उनके माइंड में कुछ आता है और कहती है कि ये पेंटिंग बहुत ही कीमती है और इसको अगर बेचना ही है तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में क्यों, मैं इसको 1000 रुपये में बेचूंगी। उसी वक्त जो है वो अपनी लाइफ का फंडा समझ चुकी होती है कि लाइफ कैसे जीना चाहिए और मुझे कैसे जीना है। उसके बाद से दिखाते हैं बैकग्राउंड में कि उनकी जो फ्रेंड रहती है अनुष्का रंजन यानी अमृता सरीन, जब वो स्कूल में जाती है उससे कोई भी प्यार नहीं करता, उसको सब हेट कर रहे होते, उसको दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमृता सरीन जो होती है वो इकलौती उनकी दोस्त बनती है जो कि काफ़ी बड़े घराने से होती है, इट्स लाइक अ रॉयल फैमिली। वहाँ से शुरू होती है इनकी मेन जर्नी, जहाँ पे अलग अलग फ्रेम में ये दिखाया जाता है कि तारिनी बिश्त किस तरह से जो है स्कूल में बिजनेस करना शुरू कर चुकी होती है, स्कूल में ही अपने आप को फैशन डिजाइनर बता रही होती है और सबसे पैसे कमा रही होती है और उसी पैसे से अपने लिए एकदम फैशनेबल वाला ड्रेस खरीद चुकी होती है। और उसके बाद से इन द एज ऑफ 13 और 14 ये दिखा दिया जाता है कि आज के डेट में 21वीं सदी की लड़कियां कैसी होती है और वो क्या करना चाहती है, खास करके अगर वो किसी बड़े घर से है तो, मीन्स बॉयज एंड बॉयज, जी हाँ, इन्हीं के बारे में सोचना, उनको किस तरह से इम्प्रेस किया जा सके और किस तरह से उनको अपने पीछे लट्टू बनाया जा सके, और उसमें वो कोई भी कमी नहीं छोड़ती है। वहीं बात की जाए अमृता सरीन की, तो बड़े घर से होने के बावजूद भी उसमें कोई भी बिगड़ी आदत नहीं रहती है, वो एक सिंपल लड़की के जैसे ही जीना चाहती है, पर दोस्ती दोनों की काफी कमाल की रहती है। तो ये थी बैकग्राउंड स्टोरी। तारिनी बिश्त जो है बचपन से किस तरह से अपनी सोच को लेकर चलती है। कहानी जब प्रेजेंट में चल रही होती है तो तारिनी बिश्त का कहना होता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहती हूँ लेकिन इस डिग्री के साथ नहीं। वो हमेशा कहती है कि इंसान के अंदर की क्वालिटी अगर सोना है और वो सच में सोना है तो वो अंदर में क्यों है, सोने की कीमत, गोल्ड की कीमत वो तो जिस्म के बाहर में होती है। उसमें काफी सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें से काफी हिट करने वाला सीन ये है कि वो एक शोरूम में सैंडल खरीदने जाती है, वो सैंडल 1.5 लाख का रहता है और तभी वहाँ पे सेल्स गर्ल जो है अपने एटीट्यूड से कुछ ऐसा बता देती है कि आपसे नहीं हो सकता है, आप मत खरीदो। तभी वो चैलेंज करती है कि एक दिन मैं आऊंगी और ये
ये सैंडल जो 1.5 लाख का है वो मैं ले करके जाऊंगी। एंड फाइनली वो अपने ख्वाब को पूरा भी करती है। तारिणी बिष्ट जैसे दिल्ली आती है उनके करियर के स्टार्टअप के लिए, जो उनके डैड उसको हेल्प तो कर देते हैं लेकिन वो उस स्टार्टअप से खुश नहीं रहती, क्योंकि उनको चाहिए होता है कोई रिच बंदा, कोई हैंडसम बंदा जो कि ढेर सारा पैसे का मालिक हो और उसके साथ में वो ऐश कर पाए। इसी सोच के साथ में आगे बढ़ रही होती है। काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद में वो अपने फ्रेंड से मिलती है, यानी अमृता सरीन से जब मिलती है तो यार जस्ट लाइक अ सिस्टर्स, जैसे एक ही घर के दो सिस्टर्स हो और ऐसी सिस्टर्स जो आपस में काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, आपस में शेयरिंग एंड केयरिंग वाला फॉर्मूला लेके चलती है। जैसे ही एंट्री होती है घर के अंदर में, उसके बाद से यही गॉसिप चल रही होती है कि मैं किस तरह से एक लड़के को फंसा सकती हूँ, किस तरह से सबसे अमीर बंदे से मैं शादी कर सकती हूँ। और अचानक से कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं कि वो जब जाकर किसी लड़के को जब वो किस करने ही वाली होती है, तभी अचानक से पता चलता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, उसी का मंगेतर है। और वहां से कहानी में पूरा ट्विस्ट एंड टर्न आता है। ट्विस्ट एंड टर्न यही रहता है कि आदित्य सील जिनको वो किस करने वाली थी, जिनका कैरेक्टर का नाम वहाँ पे वीर शेरगिल रहता है, वीर शेरगिल काफी बड़े खानदान से तो नहीं होता है, जो कि काफी टाइम के बाद पता चलता है कि दे हैव अ प्लान कि वो सरीन फैमिली को ज्वाइन करे और उसके बाद से उसकी लाइफ और उसकी करियर काफी अमेजिंग हो जाएगी। अब उनको शादी करनी होती है सरीन से, लेकिन प्यार में रहते तारिणी बिष्ट यानी उसी की फ्रेंड के साथ में। ये रहता है काफी ज्यादा रोलर कोस्टर वाली कहानी की यार ये एंड कैसे होने वाला है। पूरी स्टोरी को जो है गोल गोल बहुत घुमाते हैं। आफ्टर द 7th एपिसोड यू विल फील के यार मुझे ना सच्ची में एक टॉर्चर दिया जा रहा है कि प्लीज़ इसको देखो और एंड तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एंड भी जानना है कि एंड में क्या होता है। पर गोल गोल कहानी यही घूम रही होती है कि दोनों चुपके से मिल रहे होते हैं, तारिणी बिष्ट हमेशा उसको खुद से दूर कर रही होती है और शेरगिल उसके करीब आना चाहता है, वो शादी तो करना चाहता है उसके बेस्ट फ्रेंड से पर प्यार इससे हो चुका है। इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ विलनिक कैरेक्टर एंड अ रोमांटिक कैरेक्टर। जब उसे प्यार नहीं मिल रहा होता तो वो विलन बन जाता, जब प्यार मिलने की कोशिश में आता है तो फिर खुद को रोमांटिक दिखाने की कोशिश करता है, और यही कंफ्यूजन पूरा बनाए रखते हैं कि किसको कैसे पता चलेगा। एंड इट्स अ टिपिकल एकता कपूर का सीरियल वाला टॉपिक हो जाता है कि यार हर कुछ दिखाया जा रहा है और कहानी को जो हम लड़के लोग जो होते हैं ना कि कहानी इतनी सी है यार क्यों तुम 2 साल 3 साल 5 साल खींच रहे हो, प्लीज यार 3 घंटे में दिखा के खत्म करो ना, तो जस्ट वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे घुसेड़ दिया गया है। एंड प्लीज यार एज अ बॉय एज अ मेल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, फीमेल्स को वैसे काफी पसंद आएगी। गर्ल्स अगर आप देखना चाहते हो यू विल फील जस्ट लाइक कि आप एक सीरियल देख रहे हो। एंड हाँ स्किन शो का काफी ज्यादा मजा ले सकते हो क्योंकि ऑल्ट बालाजी है तो यार सभी के स्किन को कुछ ओवर ही दिखाया गया, चाहे वो हीरो हो हीरोइन हो या कोई भी हो यार। एंड बाय द वे एज अ मेल अगर मैं बात करूं क्रिस्टल डिसूजा इट्स जस्ट लाइक अ सिजलिंग हॉट, बट यार जरूरत नहीं थी कि इस स्टोरी में बॉडी दिखाना इतना जरूरी हो गया हो। चलो यार हम वेब सीरीज देख रहे एकाध किस ठीक है, लेकिन इतना ओवर दिखाना कि आप फैमिली के साथ देखने से अवॉइड कर लो, नॉट सो गुड मैन। अब मैं बात करता हूँ कि स्टोरी लाइन चलती कैसे है। स्टोरी तो मैंने आपको वहाँ तक बता दिया है कि आप इस स्टोरी को किस लिए देखोगे और इसका अंजाम देखने के लिए आप पागल रहोगे, लेकिन अगर स्टोरी लाइन की स्पीड की बात की जाए सो इट्स वेरी स्लो, क्योंकि यार एक एक एपिसोड 20 या 22 मिनट का है, उसके बीच में आप 6 मिनट का एक गाना डालते हो जिसमें सिर्फ इमोशंस दिखा रहे हो, और चलो वो देख भी लिया, अगले एपिसोड में फिर से वही चीज़ यार कि फिर से उस गाने को कंटिन्यू कर रहे हो और फिर उस मोमेंट को फिर से दिखा रहे हो। सीरियसली यार हम वेब सीरीज देखने के लिए इसलिए बैठते हैं कि हर एपिसोड में देर विल बी अ न्यू चैप्टर, और इसमें दिखाया गया है कि हर एपिसोड का एक नया नया चैप्टर है, लेकिन यार वो हमेशा कनेक्टेड रहता है, उसको कंप्लीट करने के चक्कर में रहता है, जस्ट लाइक शक्तिमान कि अब तक आपने क्या देखा। माय गॉड सीरियसली ऐसा होता है क्या। चलो एकता कपूर को, अगर आप एकता कपूर के सीरियल को पसंद करते हो, अगर आप फीमेल आप पसंद करते हो, यू लव इट कि आपने बहुत अच्छा देखा है, लेकिन यार हमारा कटा बहुत अच्छा है। कटा इसलिए है कि मैं 14 एपिसोड तक खुद को घसीट घसीट के लेके गया और 14 एपिसोड में पहुंचने के बाद पता चला कि इट्स नॉट अ कंप्लीट स्टोरी, यू हैव टू वेट फॉर द Season 2, और Season 2 में पता चलेगा कि एंड में ऐसा क्यों दिखाया गया कि सब कुछ इतनी मेहनत पानी में गया। हाँ क्योंकि देखो यहाँ पे लड़का लड़की से प्यार नहीं करता, लड़की एक्सीडेंटली उसको प्यार करने लग जाती है और वो दिल में फीलिंग भी रहती है, दोस्त उससे नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसके मंगेतर के साथ में उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अफेयर कर लिया है, लेकिन उसके बाद से वो खुद को प्रूफ करना चाहती है अपने बेस्ट फ्रेंड को कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तू जिससे शादी कर रही है वो बंदा सही नहीं है। शादी हो भी जाती है तब भी वो पूरी कोशिश कर रही होती है रिपोर्टर बन करके एक्सपोज करने की कोशिश करती है कि वॉट इज़ शेरगिल एंड वॉट इज़ सरीन फैमिली, लेकिन यार ऐसा क्या हो गया अचानक एंड में कि वो एक फोटो को देखती है और देखने के बाद में दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि आज समझ में आया कि वो दिन कौन सा था, और फिर दोनों यार हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सीन दिखा देते हैं कि दोनों एक दूसरे को किस करके प्यार करते हैं एंड दे आर ओके। सीरियसली
मतलब स्टोरी में आगे क्या है नहीं पता यार। तो चलो यार, यही था ओवरऑल रिव्यू। इसके बाद भी एक पार्ट बाकी है रिव्यू का। ये फर्स्ट वीडियो होगा मेरा जिसमें कि मैं पार्ट वन के नाम से वीडियो बनाने वाला हूँ कि यार ये रिव्यू का पार्ट वन है। पार्ट टू जो है नेक्स्ट वीडियो को प्लीज़ देखना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग थॉट्स के साथ में इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। अगर आपने देख लिया है, आप अपने ओवरव्यू को चेक करना चाहते हो कि यार कैसी थी, मेरा तो ऐसा सोच था लेकिन दूसरे लोगों की क्या सोच है, तो प्लीज़ यार नेक्स्ट वीडियो को देखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि फितरत का ओवरऑल रिव्यू मेरी सोच क्या है और उसके अंदर में क्या स्टोरी पूरी डिटेल में थी। तो प्लीज़ यार स्टे ट्यून्ड। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर भी करो। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायनारा एंड हास्ता ला विस्ता।